हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सीरीज नंबर 9 में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस सीरीज के अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट समाप्त करने वाला हूं। मैं सबसे पहले आपको थ्योरी समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, और थ्योरी इस तरह से समझाऊंगा कि आपको प्रैक्टिकल की जरूरत ना पड़ेगी, आपको थ्योरी में ही सारा फंडा समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पेज लेआउट क्या होता है। तो एक्चुअल में पेज लेआउट वाले मेन्यू में आप जो भी पढ़ेंगे, जो भी सीखेंगे, वो पेज से रिलेटेड ही होगा। ओके, पेज से रिलेटेड ही होगा पेज लेआउट मेन्यू के अंदर। जैसे पेज का साइज बदलना, पेज में कॉलम बदलना, पेज को ब्रेक करना, पेज में स्टाइलिश कलर देना, पेज में वाटरमार्क लगाना, पेज में कई चीजें को इफेक्ट आप डाल सकते हैं। तो पेज से संबंधित आप जो भी पढ़ेंगे वो सारा जो है वो पेज लेआउट में आएगा। इससे आप कई तरह के लेआउट तैयार कर सकते हैं पेज से संबंधित। तो चलिए मैं सारा चीज आपको समझाता हूं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो आपको दिखता है पेज लेआउट वाला मेन्यू। ठीक है, पेज लेआउट वाला मेन्यू, इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो होता है थीम्स। ठीक है, जब आप पेज लेआउट वाले टैब में जाते हैं तो वहां पर थीम्स दिखाई देता है, और इस थीम्स वाले ऑप्शन के अंदर कई सारे और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे थीम्स, कलर्स, फॉन्ट और इफेक्ट। ये चार ऑप्शन उसके अंदर होते हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सारे ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है थीम्स। इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं, ध्यान दें, जब हम लोग थीम्स वाला ऑप्शन का प्रयोग करते हैं तो पेज के अंदर जितने भी फॉन्ट होते हैं, जितने भी कलर होते हैं, जितने भी स्टाइल होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट चेंज होते जाते हैं। अगर आपको इसको समझना है तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप इंसर्ट टैब में जाकर के वहां से कोई भी एक कवर पेज को आप सेलेक्ट कर लें। जब वहां से कोई भी एक कवर पेज को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जब आप इन चारों ऑप्शन का यूज करेंगे तो आपके करंट डॉक्यूमेंट में चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, अगर आप कलर्स वाले में क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें कलर चेंज होगा अकॉर्डिंग जो इसमें दिया हुआ रहेगा। उसके बाद अगर आप फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट में फॉन्ट होगा वो बदलते जाएगा। उसके बाद अगर आप इफेक्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट में इफेक्ट हो जाएगा। मगर ध्यान रहे, इसको जांच करने के लिए आप इंसर्ट टैब में जाकर के वहां से कोई भी एक कवर पेज को सेलेक्ट कर लें, और कवर पेज को सेलेक्ट करने के बाद इन चारों ऑप्शन का इस्तेमाल करें, आपको समझ में आ जाएगा। कलर चेंज होगा, फॉन्ट चेंज होगा, इफेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप में पेज को सेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी समझाया जाएगा, वो पेज को सेट करने से रिलेटेड ही होगा। इसके अंदर आता है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर्स और हाइफनेशन। ये ऑप्शन इसके अंदर होते हैं। अब बारी बारी से सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मार्जिन। मार्जिन के अंदर आप वो सारे काम को कर सकते हैं जिसके जरिए आप पेज में मार्जिन दे सकते हैं। जैसे सपोज आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई पेज इंसर्ट किया है, जैसे मान लीजिए ये है मेरा पेज, ठीक है, और आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम कुछ भी लिखें तो यहाँ से लिखाना स्टार्ट हो, या फिर यहाँ से लिखाना स्टार्ट हो, या फिर यहाँ से स्टार्ट हो, पूरा मतलब
आप पेज में मार्जिन दे सकते हैं कि कहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है, उसमें कितना गैपिंग देना है। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपको दो चीज़ें मिलेगी। सबसे पहले मिलेगा कि आप पेज को किस तरह से दिखाना चाहते हैं। आप पेज को इस तरह से दिखाना चाहते हैं या फिर आप पेज को इस तरह से दिखाना चाहते हैं। ये हो गया पोर्ट्रेट मोड और ये हो गया लैंडस्केप मोड। ठीक है, ये हो गया पोर्ट्रेट मोड और ये हो गया लैंडस्केप मोड। तो आप जो सेलेक्ट करेंगे उसी तरह से उसका परिवर्तन आपको डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा। उसके बाद है साइज। जब आप साइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कई तरह के साइज दिख जाते हैं जो कि पेज का साइज होता है। ठीक है, आप पेज का साइज क्या रखना चाहते हैं, A4 रखना चाहते हैं, A3 रखना चाहते हैं, A2 रखना चाहते हैं, आप पेज का साइज को चूज कर सकते हैं कि आपको पेज का साइज कैसा रखना है, ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद है कॉलम। ये इसका यूज होता है कि आप एक पेज में कितने कॉलम रखना चाहते हैं। जैसे सपोज मेरा एक कोई पेज है, सपोज ये मेरा पेज है और मैं इस पेज में कितना कॉलम रखना चाहता हूँ, जैसे एक कॉलम हो गया, उसके बाद दो कॉलम हो गया। तो ये जब आप कॉलम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा 1, 2, 3। आप जितना सिलेक्ट करेंगे उतना भाग आपको कॉलम बट जाएगा एक पेज में। उसके बाद है ब्रेक। जब आप ब्रेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन और दिख जाएंगे। ठीक है, जब आप ब्रेक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, मगर जो भी ऑप्शन होंगे वो सारे ऑप्शन का काम सिर्फ यही है कि पेज को ब्रेक कर देना, पेज को ब्रेक यानी तोड़ देना। अब पेज को तोड़ने के कई नियम होते हैं, जैसे हो सकता है कि एक पेज को आधा आधा तोड़ दे, या हो सकता है कि उसी पेज को तोड़कर उसी में रख दे, है ना, आधा टेक्स्ट को आधे पेज में छोड़ दे और अगले पेज में ला दे, या आधे पैराग्राफ को किसी दूसरे कॉलम में ला दे, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में, यानी कि जो भी काम होगा वो पेज को तोड़ने का काम होगा, चाहे वो जिस तरह का हो। उसके बाद है लाइन नंबर। जब आप लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबरिंग वाला सिस्टम आपको इसमें दिखेगा। जैसे आपने कई सारे पैराग्राफ को टाइप कर लिया है और आप सारे पैराग्राफ में या सारे लाइन में, ये तो लाइन नंबर है, ठीक है, पैराग्राफ नहीं, लाइन नंबर। जब आप लाइन नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब जैसे ही आप इसको कोई भी मतलब चूज कर लेंगे इस ऑप्शन को, तो सारे ऑप्शन में आपको लाइन नंबर हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 सारे लाइंस में आपको दिख जाएंगे 1, 2, 3। उसके बाद है हाइफनेशन। इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, हाइफनेशन का हम लोग समझते हैं। इसका एक्चुअल में इस्तेमाल होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका पेज ये है और आप कोई भी वर्ड को लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा माई कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे जगह कम है, तो क्या करेगा, ये ऐसे दे देगा और कंप्यूटर ये आधा इधर लिख देगा। तो ये जो बीच में यूज हुआ, ये जो बीच में यूज हुआ, इसी को बोलते हैं हाइफनेशन। यही बीच में ये दर्शाता है कि ये वाला और ये वाला दोनों साथ में है। तो कोई ज़्यादा हार्ड थ्योरी नहीं था, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद मैं फिर से आगे इसका मतलब इसी मेन्यूज के अंदर नेक्स्ट थ्योरी आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको सारा चीज प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसके लिए मुझे जाना होगा इंसर्ट टैब में और वहाँ से एक मैं कवर पेज ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रहा मेरा कवर पेज। उसके बाद मैं जाऊँगा पेज लेआउट में, उसके बाद मैं जाऊँगा थीम वाले ऑप्शन पे, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कई सारे थीम दिए हुए हैं। मैं किसी एक पर क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए, जैसे मैं बारी बारी से जा रहा हूँ, ये चेंज हो रहा है। इसमें हो ये रहा है कि ये कलर के साथ साथ फॉन्ट भी चेंज हो रहा है। देखिए मैं यहाँ जाता हूँ थीम में, ये देखिए ये सब थीम है, कलर भी जैसा यहाँ पर दिख रहा है वैसा यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप अपने अनुसार यहाँ से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में है कलर। अगर आपको सिर्फ कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप देखिए कलर को चूज कर सकते हैं, देखिए कलर चेंज हो रहा है। और अगर आप यहाँ से सिर्फ स्पेशल फॉन्ट को चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्पेशल फॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें इफेक्ट डालना चाहते हैं
तो आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट को डाल सकते हैं, जो कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत इफेक्ट यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट में ऑप्शन है मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम है, ये सब सारे ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन में जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए अभी क्या है कि अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि इतना लिखा हुआ है। ठीक है, इतना, और बाकी ये जो साइड में है ये देखिए, ध्यान देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस साइड में और यहाँ से लेकर नीचे तक इस साइड में, मतलब जो स्पेस है वो ज़्यादा है। तो मार्जिन में जाकर यहाँ से देखिए नैरो कर सकते हैं, इस तरह से आएगा, है ना। जो आप यहाँ से चूज करेंगे देखिए, ये आपका पेज का मार्जिन यहाँ से दिखाता है। और अगर आप कस्टम करना चाहते हैं तो कस्टम में क्लिक करके यहाँ से आप खुद से सेट कर सकते हैं कि टॉप में कितना रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में कितना रखना चाहते हैं, बॉटम राइट, जो भी करना चाहते हैं यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हैं, उसके बाद आप ओके कर सकते हैं। देखिए तो ये चेंजेस है, मतलब मार्जिन। ठीक है, तो इसके ज़रिए उसके बाद ओरिएंटेशन, आप पेज को कैसे दिखाना चाहते हैं, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। अगर लैंडस्केप करते हैं तो इस तरह से चेंजेस आ जाएगा, देख लीजिए। और अगर यहाँ से पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में है साइज़, अगर आप साइज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप पेज का साइज चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से पेज का साइज कर सकते हैं कि आपको कौन सा रखना है। अब तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा प्रिंटर है, क्योंकि अगर A4 साइज़ का प्रिंटर होगा तो आप A4 सेलेक्ट करिएगा, और अगर कोई और साइज़ का प्रिंटर होगा तो आप यहाँ से कोई और साइज़ का पेज चूज करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग जो ज़रूरत हो। नेक्स्ट में है कॉलम, यहाँ पर अभी 1 कॉलम है, यहाँ पर अगर 2 करते हैं तो देखिए 2 कॉलम। मैं यहाँ से थोड़ा सा और कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इक्वल रेंज, उसके बाद मैं यहाँ से 11 करता हूँ। देखिए अब यहाँ से ध्यान से आपको देखने है। अब जैसे ही मैं जाऊँगा कॉलम में, यहाँ से 2 करूँगा, देखिए यहाँ से 2 कॉलम हो गया दोनों तरफ, है ना। उसके बाद अगर 3 करूँगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं जो आप चूज करेंगे वो हो जाएगा। लेफ्ट में हो गया ये इस तरह से, उसके बाद यहाँ से राइट इस तरह से, ओके। नेक्स्ट में है मोर कॉलम में जाने के बाद, अगर आपको कॉलम के बीच में लकीर देना है, लाइन देना है, तो यहाँ से आप ओके कर सकते हैं और ओके, देखिए यहाँ से बीच में लाइन आ गया। उसके बाद इसी में ऑप्शंस आता है एक यहाँ से कि आप खुद से दे सकते हैं 5 कॉलम 6 कॉलम तो 6, देखिए यहाँ से इतना कॉलम हो गया बस। नेक्स्ट में है आपके सामने वह है ब्रेक। ठीक है, जैसे ब्रेक्स में मैंने आपको बताया था थ्योरी में, पहला है पेज, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मार्क्स द पॉइंट्स एट विच वन पेज एंड्स एंड द नेक्स्ट पेज बिगिन, यानी कि जैसे आपका माउस का जो कर्सर जिस स्थान पर होगा वहाँ पर रखने के बाद, ठीक है, अभी देखिए माउस का कर्सर मेरा यहाँ पर है, अगर मैं उसके बाद जाऊँगा पेज ब्रेक में और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो माउस का कर्सर जहाँ पर था वहाँ से लेकर के जितने भी टेक्स्ट होंगे, शेप होंगे, वो नेक्स्ट पेज में चला आएगा, देखिए, ओके। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है आप बारी बारी से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉलम, तो इसके लिए मुझे एक कॉलम लेना होगा, तो कॉलम में गया और 2 कॉलम इसको कर दिया, ठीक है। और मैं इसको डिलीट करता हूँ, मतलब सिर्फ इतना रखता हूँ, सिर्फ इतना, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, सिर्फ और भी बच रहा है यहाँ से, मैं और भी डिलीट, सिर्फ एक कॉलम मैं रखता हूँ समझाने के लिए। यहाँ से देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरा ये है, बस सिर्फ एक कॉलम लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में नहीं है। तो ब्रेक में जाऊंगा और माउस का कर्सर जहां पर होगा वहां से क्या करेगा, जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट कॉलम में सेंड कर देगा। जैसे देखिए माउस का कर्सर मेरा यहां पर है, तो यहां जाने के बाद अगर कॉलम पर क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट कॉलम में इंसर्ट कर देता है, यानी कि पेज ब्रेक तो हो रहा है बट उसी पेज में ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट ट्रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस, इवेंट पेज, तो आप इसका इस्तेमाल खुद से कर सकते हैं, कोई हार्ड है नहीं। जैसे अगर यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट ट्रैपिंग, तो टेक्स्ट ट्रैपिंग में क्या होता है कि आप कोई भी, मान लो किसी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया, देखिए इंसर्ट किया, अब यहाँ पर देखिए अभी किस तरह से दिख रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ जा करके करूँगा टेक्स्ट ट्रैपिंग, तो देखिए यहाँ से इस तरह से इसका खाली स्थान आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ यहाँ से, पहले मैं पूरा डिलीट करता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट मैं रहने देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से रुके, मैं यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद मैं यहाँ से पेज लेआउट में, ब्रेक्स में, और यहाँ टेक्स्ट रैपिंग, देखिए ध्यान से कुछ चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ से देखिए टेक्स्ट रैपिंग कुछ प्लस देता है यहाँ पे। ऐसे टेक्स्ट रैपिंग का और भी कई ऑप्शन है जिसका हम लोग यहाँ से रैप टेक्स्ट में एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है।
कोई कोई आप यहाँ से कोई भी पिक्चर्स को आप इंसर्ट करके देख सकते हैं, रैपिंग करके। देखिए अभी ये है, मैं यहाँ से इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ यहाँ से पेज लेआउट में, बैक्स में, और यहाँ से टेक्स्ट टाइपिंग। देखिए यहाँ से देखिए पहले क्या था और अब क्या हो रहा है, यानी कि टेक्स्ट जो है रैप हो जाता है, जितने दूर में रहेगा वो उतना स्पेस वो ले लेगा, खुद से टेक्स्ट जो है वो खुद से एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा टेक्स्ट टाइपिंग का एडवांस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं था। नेक्स्ट में है, यहाँ से देखिए नेक्स्ट पेज, इंसर्ट ए सिलेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सिलेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए इसका मतलब ये है कि क्या करेगा कि आपका जो माउस का कर्सर जिस स्थान पे होगा वहाँ से लेकर के जितने भी टेक्स्ट होंगे वो अगले पेज में इंसर्ट कर देगा, ये भी ब्रेक ही है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टिन्यूअस, इंसर्ट ए सिलेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सिलेक्शन ऑन द सेम पेज, यानी कि माउस का कर्सर जिस स्थान पर होगा वहाँ से पेज को ब्रेक कर देगा और उसी पेज में ब्रेक करेगा जिसमें आप करना चाहते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, अब देखिए मेरा माउस का कर्सर जो है वो यहाँ पर है फर्स्ट लाइन के सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे ब्रेक में गया और मैं कर दिया नेक्स्ट पेज, ठीक है, सॉरी कंटिन्यू, कहाँ पर था मैंने, स्टार्ट ए न्यू सिलेक्शन ऑन द पेज, हाँ मैंने इस फर्स्ट नेक्स्ट पेज मैं इस पर क्लिक किया, तो देखिए नेक्स्ट पेज में आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ से करूँगा सेम पेज, इस पर क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ पे ब्रेक तो हुआ या कुछ, देखिए स्पेस छूट रहा है, मैं फिर से दिखाता हूँ। अभी देखिए अभी कोई भी ये स्पेस नहीं है, लेकिन जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, अब मैं ब्रेक्स में जाता हूँ और यहाँ से करता हूँ कंटिन्यूस। देखिए यहाँ से थोड़ा सा जगह यहाँ पे कुछ स्पेस जो है वो छोड़ दिया, यानी कि ब्रेक हो गया, सेम पेज में ब्रेक हुआ ये, बस ये। आप बारी बारी से देख सकते हैं, इवन पेज में ब्रेक होगा, ऑड पेज में ब्रेक होगा। अगर नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत होता है, तो कमेंट में कर सकते हैं, आप इसको चेकआउट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट में है लाइन नंबर, आप इस तरह से लाइन नंबर दे सकते हैं सारे कॉलम्स में, सारे लाइन्स में, आप यहाँ से अगर जो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से वो यहाँ पर आपको होगा। यहाँ पर ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, बारी बारी सब ऑप्शन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने है हाइफनेशन, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए क्या होता है, ऑटोमेटिक कर, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको थीम बताया था थ्योरी में, देखिए यहाँ पे सी ओ यू आर के बाद यहाँ पे हाइफनेशन चिन्ह लग गया है ना, करंट था यहाँ पे। उसके बाद जहाँ जहाँ ऐसा सिचुएशन होगा वहाँ पर ये देखिए यहाँ पर अस में भी लग गया यहाँ पर, तो ये हाइफनेशन का सिंबल लगा देगा जहाँ पर जो बड़ा वर्ड होता है। कोई दिक्कत होता है तो कॉमेंट कीजिए, मैं स्पेशल वीडियो प्रॉब्लम्स वाले बनाऊँगा।